वो कहते हैं हमसे कि हमारे चैनल पे लोगों का आना जाना कम है। वो कहते हैं हमसे कि हमारे चैनल पे लोगों का आना जाना कम है। लोगों के आने जाने का मतलब है कि हमारे व्यूज़ और हमारे सब्सक्राइबर जो है वो कम है। पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चलते जाओ कारवां अपने आप बढ़ता जाएगा। चलते जाओ कारवां अपने आप बढ़ता जाएगा। तो हे गाइस, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत स्टार्ट करते हैं हम आज की जर्नी अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स में। और आज का वीडियो में क्या खास होने वाला है वो हम आपको जल्दी बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम लोग जल्दी आपसे मिलते हैं ब्लॉग के अंदर। थैंक यू, बाय बाय। चाय का नाम आए और साहू चाय वाले का नाम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो गाइस, ये है साहू चाय, साहू जी की चाय जो फेमस चाय है। तो आइए मज़ा लेते हैं साहू जी की चाय का, जयपुर की नंबर वन चाय। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम आपको दिखाएंगे कुछ स्पेशल। तो चूँकि जयपुर में भी स्पेशल चाय मिलती है, तो हम आपको दिखवा लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल चाय की दुकान पे जो जयपुर में काफ़ी फेमस है। जो 1964 से ये चाय की दुकान जो है वो है, लादू राम जी इसके ऑनर थे। और ये है चौड़ा रास्ते में साईं बाबा मंदिर के सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे ये दुकान है। और यहाँ पे इस मंदिर, इसकी चाय की ये खासियत है कि यहाँ पे वसुंधरा राजे जो सीएम गहलोत जो थे, वो बीडी कल्ला, उसके अलावा काफ़ी सारे बड़े बड़े राजनेता भी यहाँ पे चाय पीने आते हैं। इनफैक्ट ये कहेंगे कि फिल्म स्टार जो आते हैं वो भी यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं साहू चाय की दुकान के। तो गाइस, हमारे सामने हैं इंद्र कुमार जी जो अभी चाय बना रहे हैं। तो सर, इसमें क्या क्या मसाले इसमें डालते हैं, क्या क्या स्पेशल है आपकी चाय के अंदर जो लोग बाग यहाँ खींचे चले आते हैं? हम भी राजा पार्क से स्पेशल आपकी चाय पीने के लिए आपकी दुकान पे आए हैं। सर, बढ़िया क्वालिटी का दूध, बढ़िया क्वालिटी की चाय की पत्ती, हमारा स्पेशल मसाला, इन सब का मिश्रण करके फिर चाय को बढ़िया पका के चाय बढ़िया बनती है, सब बोलते हैं। फिर वो जो टेस्ट बैठता है उसी से सब खींचे चले आते हैं। क्योंकि आपने आप ये देखा, आपके यहाँ पे सीएम वसुंधरा राजे भी और अशोक गहलोत जी भी आपके यहाँ पे चाय के, हमने फोटोग्राफ देखी है कई बार, तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और फिल्म अभिनेता भी आपके यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं।
चटनी बिल्कुल आते हैं, उनको सबको यार चाय खींच लगती है। हमारा स्वाद भी चाय में कुछ तो स्पेशल बात है क्योंकि हम भी खींचे चले आए हैं आपकी चाय पीने। ये चाय में डल चुका है स्पेशल वाला मसाला। चाय के गिलास कितने कितने के अपने आपने? ओके, तो 20 वाला जो है आप देखो रे के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चाय साहू की चाय जो वो जयपुर की स्पेशल चाय है, आज हम वही पीने के लिए यहाँ तक खींचे चले आए हैं। और ये वो दुकान है जहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। चाय हमारी तैयार है और अब हम लेंगे चाय, गर्मा गर्म चाय का जायका और मज़े से हम लोग चुस्की मार्केट लेंगे। तो चाय हमें के पास पहुँचने वाली है, थोड़ा सा इंतज़ार है और चाय हमारे हाथों में। गाइस ये आ चुकी है चाय हमारे हाथ में, लाजवाब चाय। हम लोग लगा रहे हैं चाय की चुस्की। वाह, इसे कहते हैं असली चाय। और चाय का मज़ा ले रहे हैं चुस्की के साथ में और बहुत ही स्वादिष्ट चाय है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी यहाँ पे आके और इस चाय का आनंद लीजिए, बड़ा ही टेस्टी चाय है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमारे साथ में और भी भाई हैं जो चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। तो भैया आप बताएंगे आपको चाय कैसी लगी है? सर ये टेस्ट वाइज वेरी अमेजिंग। आप यहाँ आसपास से आए हैं क्योंकि हम तो बड़ी दूर से इनके पास चाय पीने के लिए आए हैं। नहीं, मैं भी दिल्ली से आया हूँ। अरे वाह, थैंक यू सर। और भैया आप कहाँ से आए हैं? आपको कितना टाइम हो गया इनकी चाय पीते हुए? तो क्या आपको कैसा लगता है इनकी चाय पी के? क्योंकि हमने भी जगह जगह की चाय पी, लेकिन जो चाय का स्वाद यहाँ का है वो हमें जयपुर में कहीं नहीं मिला। इनफैक्ट मैं भी दिल्ली से ही ट्रांसफ़र होकर इधर आया हूँ और हूँ मैं जयपुर का, लेकिन जो चाय के मुझे यहाँ खींच के लाती है वो चाय का मज़ा ही कुछ और है। पता नहीं ये कौन सा मसाला क्या डालते हैं, लेकिन चाय के अंदर नशा है इनकी चाय में। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर रिव्यू।